Assalamu alaikum everyone, this is Hamza from Technical Guftgu YouTube channel. Dosto, agar aap ek YouTuber ho to is video ko pura dena, lazmi dena, kyunki agar aap ek YouTuber ho to ye video aapke liye bahut hi informative ho sakti hai. Ya keh le ki aapki ek jo badi bahut badi aajkal YouTube ki mayusi hai, wo khatam ho jayegi, kyunki pichle 2-3 dinon se YouTube ki ek update aayi. और उस अपडेट को लेके इतना YouTube के ऊपर वीडियोस अपलोड हो रही हैं, YouTubers वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि अभी 30% टैक्स पड़ गया, आपकी अर्निंग कम हो जाएगी वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें कर रहे हैं. लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, क्या सच है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इन डिटेल की एक्चुअल में अपडेट आई क्या थी, उसमें क्या लिखा था और जो इसका एल्गोरिथम है यूट्यूब का वो कैसे काम करेगा यूट्यूबर्स के लिए. तो अगर आप सारी चीजें जानना चाहते हो, हकीकत जानना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा. उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यार वीडियो को भी लाइक जरूर कर दिया करें. तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में यूट्यूब ने अपडेट क्या दी थी और क्या पैगाम दिया था यूट्यूबर्स को. यूट्यूब के ऊपर एक मेल रिसीव हुई कि हम अब जो यूट्यूबर्स हैं उससे यूट्यूब टैक्स लेगा, यानी कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके चैनल मोनेटाइज हैं, उनको अब यूट्यूब को टैक्स पे करना पड़ेगा, सवाय जो अमेरिका के यानी कि यूएस के जो हैं यूट्यूबर्स, उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, बाकी तमाम दुनिया में जहां से भी यूट्यूबर के ऊपर यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं उनको टैक्स पे करना पड़ेगा. अब इस चीज में जो यूट्यूबर ने क्या फायदा उठाया, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे हैं कि पीछे साउंड थोड़ा आपको नॉइस आ रही होगी, मैंने ये चीज देखी है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसका फायदा उठाते हुए लोगों को डिस्करेज किया है, अपने थंबनेल्स पे लगाया हुआ है कि भाई अब टैक्स पे करना पड़ेगा, 30% टैक्स पे करना पड़ेगा. ठीक है, यानी कि अगर कोई नया यूट्यूबर है, मोस्टली नए यूट्यूबर्स को परेशानी हुई है क्योंकि अभी उनके चैनल नए हैं, नए मोनेटाइज हुए हैं, अर्निंग कम हो रही है. अब उसको देख के उन्होंने ये समझ लिया कि अगर हमारी अर्निंग $100 हो रही है एक महीने में, तो उसमें से जी $30 तो यूट्यूब ही कट कर लेगा, तो हमारे पास बचेगा क्या. ऑलराइट गाइस, तो अब इसमें गलती कहां आ रही है, YouTube ने अपडेट ये की थी कि हम आपसे टैक्स लेंगे, लेकिन उस टैक्स की जो सीक्वेंस है वो ये नहीं कहा था, ये नहीं सिलेक्ट की थी कि 30% ही हर YouTube को पे करना पड़ेगा. उन्होंने ये कहा था कि आप जो टैक्स पे करेंगे वो हो सकता है 0% से 30% हो, जो कि आपको फॉर्म फिल करने के बाद में पता चलेगा. ऑलराइट गाइस, तो ऐसा नहीं है कि आपको 100 में से $30 ही पे करने पड़ेंगे, हो सकता है आप में आपसे वो YouTube जो है वो 100 में से सिर्फ $1 ले, या हो सकता है $0.5 ले, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना. जितना बड़ा चैनल होगा, जिस लोकेशन पे होगा, उस हिसाब से YouTube जो है वो टैक्स वसूल करेगा. अब ये तो होगी एक चीज. दूसरी चीज ये बता दिया यूट्यूबर्स ने, और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने समझ भी लिया कि हर बंदे को टैक्स पे करना पड़ेगा, अपनी टोटल जो यूट्यूब की अर्निंग है उसमें से टैक्स देना पड़ेगा. लेकिन यार ऐसा नहीं है. एक्चुअल में ये एल्गोरिथम काम कैसे करेगा, और वाजिया तौर पर पैगाम, अगर आपने वो पैगाम जो यूट्यूब की अपडेट आई थी उसका फॉर्म पूरा ठीक से पढ़ा हो, तो उसमें बकायदा लिखा हुआ है कि अगर आपके चैनल में अमेरिका यानी कि यूएस की तरफ से कोई व्यूज आ रहे हैं, यानी कि अगर अमेरिका के कुछ लोग आपकी वीडियोस देख रहे हैं, तो उन व्यूज से यानी कि यूएस के व्यूज से जो आपकी अर्निंग हो रही है उनमें से 0 से 30% टैक्स लिया जाएगा. अब मिसाल के तौर पर अगर आपकी जो टोटल अर्निंग यूट्यूब से है वो $100 है, और उनमें से जो $10 हैं वो आपके अमेरिका के व्यूज से आए हैं, ऑलराइट, यूएस के व्यूज से आए हैं, तो उन 10% में से अगर आपकी जो सिलेक्ट हुई है 20% कटिंग सिलेक्ट हुई है यूट्यूब की तरफ से, तो उन $10 में से 20% जो अर्निंग है वो कटेगी, यानी कि सिर्फ $2 कटेंगे. ऑलराइट, ये आपको अब चीज अच्छे से समझ आ जानी चाहिए कि टोटल ओवरऑल अर्निंग में से कटिंग नहीं होगी, बल्कि जो यूएस की तरफ से अर्निंग हो रही है, यूएस के व्यूज से अर्निंग हो रही है, सिर्फ उनमें से उनकी परसेंटेज 20% ही कटिंग होगी. तो इस बात को क्लियरली आप अपने माइंड में बिठा लें, परेशान होने की जरूरत नहीं है. आपने कैसे YouTube की अर्निंग चेक करनी है कि कितनी अर्निंग आपकी अमेरिका से हो रही है, वो अभी मैं इस वीडियो के बाद आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा. और स्पेशली जो पाकिस्तान और इंडियन के यूट्यूबर्स हैं, उनकी तो बहुत कम ट्रैफिक जो है अमेरिका से या यूएस से आ रही होती, तो उनको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. ये परेशानी की बात उनके लिए है जिनकी मोस्टली जो ट्रैफिक है वो अमेरिका से रहे, उनकी वीडियोस इंग्लिश में है, तो उनके लिए ज्यादा परेशानी की बात है. तो आप लोगों को परेशान नहीं होना. तो अब जल्दी से मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे आप लोगों ने अपनी जो
हमें ऐड करके व्यूज की अर्निंग है वो कैसे चेक करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपने अपने यूट्यूब चैनल में आना है और जाके यहाँ पे राइट साइड पे क्लिक करना है चैनल पे, और यहाँ से आपने यूट्यूब स्टूडियो के अंदर चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपके चैनल की डिटेल्स डैशबोर्ड नज़र आएगा। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे एनालिटिक्स, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही एनालिटिक्स पे क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड पे टॉप पे आ रहा है एडवांस मोड, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो उसके बाद ये कुछ डिटेल्स निकल के आएंगी। यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने जियोग्राफिक्स को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे सेलेक्ट सेकेंडरी मैट्रिक, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मोर मैट्रिक्स में जाके आप लोगों ने यहाँ पे योर एस्टिमेटेड रेवेन्यू पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से आप अर्निंग्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं लास्ट 28 डेज है, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फरवरी। तो फरवरी के आप देखना चाहें तो यहाँ पे देखें, अगर मैं इधर नीचे आऊँ तो आप देखेंगे ये अलग अलग कंट्री की अर्निंग बताई हुई है। तो US से जो मुझे अर्निंग आ रही है $4.22 यहाँ पे आ रही है, तो इसके ही जो टैक्स है वो इसी पे लगेगा। मुझे कितने परसेंट लगेगा वो फॉर्म फिल करने के बाद ही पता चलेगा, तो बाकी भी आप कंट्रीज की यहाँ से देख सकते हैं इजीली। सो होपफुली गाइस अब आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि जो यूट्यूब की नई अपडेट आई थी वो एक्चुअल में है क्या थी, और जो ये यूट्यूब का टैक्स वाला एल्गोरिथम है ये कैसे काम करेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है ये तो यार मेक श्योर आप सब्सक्राइब जरूर कर दो चैनल को और वीडियो को लाइक कर दो। और अगर इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आता है नीचे कमेंट में आप उसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। आज के लिए इतने मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।